साथियों, हम है आईडीबीपी ट्रेनिंग सेंटर करेरा और भैया फिजिकल करके आज फिजिकल था आपका। यस सर। भैया आपका नाम क्या है? प्रभांशु पचौरी। प्रभांशु पचौरी, कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं बीजापुर से। आप बीजापुर शिवपुर के पास है ना? हाँ, तो आपने कितने एंट्री कितने बजे ली आज? एंट्री थी 4:30 बजे। अच्छा, आप फर्स्ट बैच में दौड़े हैं सेकंड बैच में? सेकंड सेकंड। अच्छा, आज टोटल कितने बच्चे आए थे? आज इससे 100 से ऊपर थे। 100 से ऊपर, जिसमें से सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड और आधार कार्ड एडमिट कार्ड चाहिए, उससे आपकी एंट्री हो जाएगी, बायोमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद आपकी हाइट हो रही है, हाइट हाइट डॉक्यूमेंट पहले वो रहा है, स्तंभ लग रहा है, बायोमेट्रिक हो, बायोमेट्रिक हो। उसके बाद हाइट में किसी को बाहर कर रहे हैं? हाइट चार बंदे, चार बंदे। 19 जैसे 169.5 है तो चल रहा है ना? इतना तो ले रहे हैं, मतलब नॉर्मली नाप रहे हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं कर रहे हैं। टेस्ट में भी आराम से लागू आ रहे हैं, कुछ अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो चल रहा है। अच्छा, आप ईडब्ल्यूएस वाले हैं? ईडब्ल्यूएस हिंदी इंग्लिश का क्या चक्कर है? इंग्लिश वाला लागू। अच्छा, हिंदी वाला नहीं ले रहे हैं? अच्छा, तो इंग्लिश वाला चाहिए। अच्छा, और जैसे ईडब्ल्यूएस वालों के लिए टोटल कितने डॉक्यूमेंट चाहिए? बस ईडब्ल्यूएस चाहिए, ईडब्ल्यूएस और डोमिसाइल, आधार कार्ड, 10-12। अच्छा, आधार कार्ड 10-12, यही सारे चाहिए ना? यही। अच्छा, और जैसे आपकी टाइमिंग कितने में आ रही थी वहाँ पे? मेरी वही टाइमिंग 24 में आ रही थी, यहाँ भी 24 में, यहाँ भी 24 में आई। अंदर घड़ी पहनने दे रहे? नहीं पहनने दे रहे। घड़ी वगैरह? अच्छा, टाइम वगैरह बता रहे हैं? नहीं बता रहे। टाइम बस तुम आया होगे तब बताएंगे, एक मिनट बची है, दो मिनट बचती है। अंदर कोई टाइम का बोर्ड वगैरह लगे कि आपने कितनी दूरी कवर कर ली? आप डिस्टेंस बोर्ड दो। अच्छा, ये लग गया कि आपने इतनी दूरी कवर कर ली? 1 किलोमीटर और जैसे क्या अभी आपका यूरिन ब्लड हो गया होगा? नहीं नहीं, नहीं आज नहीं, आज तो बस फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अच्छा, कल होगा आप मेडिकल? कल और परसों, दो दिन होगा। अच्छा, तो जो नए बंदे आने वाले, जो हमारे भाई आने वाले हैं, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? बस बढ़िया रिलैक्स हो गए, दौड़ लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, घटिए थोड़ी ज्यादा है, बिल्कुल घबराए। नंगे पैर दौड़ सकते कि नहीं दौड़ सकते? नहीं नहीं, नंगे पैर नहीं दौड़ सकते। आप कहाँ से आए भैया? मैं तो ग्वालियर से हूँ। अच्छा, आपका नाम? सूरज। अच्छा सूरज भैया, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो नए बंदे आ रहे हैं उनसे? उनके बिल्कुल कॉम्बिनेशन के साथ आए, बिल्कुल अपना आत्मविश्वास रखें। हाँ। और कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी अगर रनिंग पहले की है तो। हाँ। अगर पहले तैयारी की है, बिल्कुल रुकना नहीं है, धीरे धीरे चलोगे तो आप 100% क्लियर कर जाओगे। अच्छा, अंदर कुछ खाने पीने की व्यवस्था? सारी व्यवस्था है, कैंटीन है खाने के लिए, तुम्हारे लिए फल फ्रूट भी मिलेगा, बाकी जूस वगैरह, और फिर उसके बाद चावल और राजमा ये खाना। अच्छा, स्टाफ कैसा है, कोऑपरेट कर रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आलो एक नंबर का स्टाफ है। तो और कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे भाई आ रहे हैं उनके लिए भैया? बाकी मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि अच्छे से तैयारी करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है, बाकी ग्राउंड भी ज्यादा तो नहीं नॉर्मल कह सकते, बाकी ठीक है अपने स्तर से। हाँ, बाकी नंगे पैर नहीं दौड़ना? नहीं, नंगे पैर नहीं दौड़ सकते। हाँ, बाकी 2.5 किलोमीटर जाओगे, बाकी आप उधर से जाओगे तो वापस लौटोगे तो उस समय जैसे 1 किलोमीटर है, वहाँ एक व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ है। हाँ। कि एक इतनी दूरी आपने तय कर चुकी है। हाँ। बाकी इतनी दूरी आपकी रह चुकी है अभी। हाँ, बाकी हर जगह पानी की भी अच्छी सुविधा है भाई। अच्छा, जो सर्कल डेट का क्या इशू है और ईडब्ल्यूएस की? ईडब्ल्यूएस का वो ये है कि सेंटर का होना चाहिए। हाँ। बाकी जैसे सेंटर का इंग्लिश में होता है। हाँ। है ना, वो होना चाहिए। बाकी जैसे फॉर्म 31 दिसंबर से पहले का होना चाहिए। हाँ। मतलब आपने फॉर्म भरा था तब से पहले का होना चाहिए। हाँ। अच्छा। ये ईडब्ल्यूएस पहले का होना चाहिए। मतलब 23-24 का चल रहा है? हाँ बिल्कुल, अगर अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो तो वहाँ का जैसे कोई वो वहाँ से जो हाथ का बना हुआ है ना वो भी काम करेगा। अच्छा, इधर छत्तीसगढ़ वालों के भी हो रहे हैं? हाँ 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 बिल्कुल, छत्तीसगढ़, बालाघाट, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, जो भी है सभी यही है। और कुछ जो भी मतलब जैसे कुछ लोग ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं? हाँ, वो ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं। हाँ। आज लिया भी था एक बंदे ने। हाँ। एक दो बंदे ने लिया था, उसकी बहुत बुरी हालत हो गई और वो बहुत उसका बहुत बहुत बुरी हालत हो गई, उसको मतलब अंधा हो गया, अंधा हो गया। हाँ। कि बस यही नहीं लेना चाहिए अंधा, उसको एम्बुलेंस में रख करके ले गए, फिर उसका रनिंग निकल गई। हाँ। पर वो कुछ देर तक तो घंटे दो घंटे तो उसमें ही नहीं आया। हाँ। तो और बहुत बुरी स्थिति है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ। आना है, आपने प्रैक्टिस की है, कॉन्फिडेंस रखो और मार दो। ठीक है भैया, धन्यवाद।
ठीक है, क्लास अच्छा मिल जाएगा।